दोस्तों, जोधपुर का वो लड़का बचपन से ही बहादुरी के किस्से सुनते हुए बड़ा हुआ। 1 अगस्त 1949 को उसने अपने पापा की तरह आर्मी ज्वाइन कर ली। इस सैनिक की एबिलिटी ने 1962 में उसे मेजर की पोस्ट तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इसी साल इंडो चाइना वार छिड़ गई। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की चुसैल घाटी में एनिमी आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी। एक तरफ हजारों की गिनती में एनिमी आर्मी थी और दूसरी तरफ मेजर के पास जस्ट 120 सोल्जर थे। मेजर के पास पीछे हटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने ये मंजूर नहीं था कि वो पीछे हटे। वो अपने सोल्जर्स के साथ लड़ते रहे। दुश्मन के 1300 सोल्जर को मारने के बाद मेजर के साथ साथ बाकी के 120 सोल्जर भी शहीद हो गए। वार खत्म होने के 3 महीने बाद जब मेजर की बॉडी मिली, तब उसे देखकर हर कोई शोक था। शहीद होने के बाद भी उनकी आंखें खुली हुई थी और उन्होंने अपने बंदूक को मजबूती से पकड़ रखा था। दोस्तों, इस ब्रेव सोल्जर का नाम था मेजर शैतान सिंह। मेजर साहब को उनकी ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया। मेजर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताएं।